गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक। मार्केट ओपन हो चुके हैं, कहीं ना कहीं यहाँ कंटिन्यूस सेलिंग देखने को मिल रही है। अभी गैप अप होकर, यहाँ गैप अप होकर कंटिन्यूस बाइंग में जा रहा है मार्केट। तो दोनों तरफ मार्केट ने अलग व्यू बना रखा है, लेकिन आज हमारा व्यू थोड़ा सा बाइंग साइड का है। कहीं ना कहीं सेलिंग देखिए थोड़ी सी अजीब दिख रही है मुझे। लास्ट गैप अप में भी हमने देखा था कुछ क्लोजिंग का ब्रेकडाउन वगैरह देख के ऐसी सेलिंग के बाद मार्केट बाइंग में गया था। बैंक निफ्टी ने कुछ उल्टा ही किया था, ब्रेकडाउन देके कंटिन्यूस सेलिंग में गया था। तो ये हमारे पास कुछ लेवल्स भी हैं, स्विंग्स हैं, रेजिस्टेंसेस हैं। तो मार्केट यहीं से रेजिस्टेंस लेगा तो मेरे हिसाब से ऊपर जा सकता है। अभी वेट करते हैं, देखते हैं क्या करता है। एक बार क्लोजिंग के पास वगैरह आए तो थोड़ा बहुत हम बाइंग का एक ट्रेड मेरे हिसाब से इनिशिएट कर सकते हैं। ऑप्शन में भी कुछ 0.6 पे आ जाए, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट कर दे, थोड़ा चीप हो जाएगा, तब हम देखते हैं, वेट करते हैं ट्रेडर्स। तो चलिए देखिए, मोमेंटम आ गया, हम अनफॉर्चुनेटली ले नहीं पाए। हम थोड़ा सा निफ्टी के क्लोजिंग का वेट कर रहे थे एकदम कि पास आ जाए, ये पहले ही हमसे गद्दारी करके भाग गया ऊपर। देखिए ऑप्शन में भी काफ़ी अच्छा स्पाइक वगैरह आ चुके हैं, 60-65 पॉइंट, 70 पॉइंट्स का हमारा टारगेट है। 2-5 मिनट में ये टारगेट भी हिट कर देता, बट कोई बात नहीं, अब वेट करते हैं। कोई बात, यहाँ भी क्या है, कुछ रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, यहाँ से कुछ रेजिस्टेंस वगैरह लेता है, कुछ करता है, होल्ड वगैरह करे तो थोड़ा सा एक और कॉल साइड का ट्रेड बनाया जा सकता है। ये वाले बायर्स तो अब कहीं ना कहीं ठीक प्रॉफिट में आ चुके हैं, कुछ यहाँ ट्रेंड लाइंस का भी जैसे पैटर्न वगैरह कुछ बना रही है। मैं भी एक बार इसका ब्रेकडाउन वगैरह कुछ करने आए, थोड़ा बहुत सेलर्स इनवाइट करें फिर से ये जो लेवल्स हैं इनसे, तो एक बाई साइड का भी ओपन फिर से रख सकते हैं। बाकी अगर ये कंटिन्यूस भागते जाता है, ब्रेकआउट कर देता है, तो शायद फिर ये बायर्स ट्रैप करेगा। मे बी थोड़ा सा देखते हैं कैसा प्राइस एक्शन बनाता है, फिर करेंगे। ऑल राइट ट्रेडर्स, अभी हमने कॉल साइड की पोजीशंस बनाई हैं, इस जगह हमने पोजीशंस बनाई हैं। कहीं ना कहीं मार्केट ने कुछ स्विंग से वगैरह से रेजिस्टेंस लिया, रिट्रेसमेंट भी कर दिया मार्केट ने काफ़ी अच्छा। निफ्टी में देखे कुछ स्विंग्स वगैरह का ब्रेकडाउन दिया, रिट्रेसमेंट भी हो चुका है। ऊपर ये एक पैरेलल चैनल सा चल रहा है, मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, यहीं से कहीं से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है। इसको देखते हुए काफ़ी रिटेलर सेल करेंगे तो उनकी पोजिशन, उनके स्टॉप लॉसेज अपसाइड रहेंगे, इसलिए मैंने एक कॉल साइड की पोजिशन बनाई है। इससे पहले मैंने जस्ट अभी अभी एक गलती से पुट साइड की पोजिशन बना ली, आप देख सकते हैं टाइमिंग बिल्कुल सेम ही है, उसमें फालतू में लॉस हो गया हमारा। तो अभी कॉल साइड की ट्रेड बनाया हमने, वेट करते हैं ट्रेडर्स। ऑल राइट ट्रेडर्स, अभी हमारा कुछ प्रॉफिट चल रहा है, आप देख सकते हैं इधर 60 पॉइंट मिल रहे हैं, इधर 37 पॉइंट्स मिल रहे हैं। थोड़ा ऑप्शन में स्पाइक नहीं आ रहे हैं, अभी हायर पॉइंट से कहीं से रेजिस्टेंस भी ले रहा है, एक हमें स्पाइक देखने को मिल सकती है। निफ्टी में भी, एक मिनट, निफ्टी में भी काफ़ी अच्छी स्पाइक कैंडल मिली हमें, तो यहीं से रेजिस्टेंस ले रहा है तो एक अच्छा सा हमें ऑप्शन में स्पाइक देखने को मिल सकता है। यह है तक का ब्रेकआउट का टारगेट है, वरना अगर इससे पहले ही टारगेट अचीव हो जाए तब भी मैं लेके निकलूंगा, क्योंकि टाइम ऑलरेडी आप देख सकते हैं 132 हो चुके हैं। ऑल राइट ट्रेडर्स, मैंने अपनी पोजीशंस अभी एग्जिट की हैं, 77 का लॉस बुक किया हमने। इसमें तो पहली वाली में गलती से ले लिया, बट इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकले हम, अभी निकले हम, आप ऑर्डर देख सकते हैं। देखिए कुछ खास मोमेंटम आ नहीं रहा है, मार्केट क्या है ऊपर गया, हमें कुछ प्रॉफिट भी दिखाया, आपको पता है यहाँ 50 पॉइंट्स के आसपास का। बैंक निफ्टी भी काफ़ी ऊपर गया, लेकिन प्रीमियम बढ़े नहीं, और क्या है ये अब ब्रेकडाउन पे ब्रेकडाउन देके आया जा रहा है। बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं बार बार ब्रेकडाउन पे ब्रेकडाउन दिया जा रहा है, तो इसलिए हमने अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी कॉस्ट टू कॉस्ट। देखते हैं अगर कुछ और मिलेगा तो करेंगे। ऑल राइट ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं कैसी भी बाइंग, कितनी बाइंग आई थी, और ये सेलिंग ने पूरी बाइंग कवर कर ली। तो हमने तो अपनी कॉल साइड की पोजिशन पहले एग्जिट कर दी थी, उसके बाद मैंने और कोई पोजिशन बनाई नहीं, तो इसके लिए ये हमारा लॉस रहेगा। बाकी अब देखिए जिस हिसाब की सेलिंग आई है, कहीं ना कहीं यहाँ जो बायर बैठा है, यहाँ कहीं जो बैठा है उसके एसएल वगैरह हिट हो गए होंगे, या इस सेलिंग के मोमेंटम में वो अपनी पोजीशन काट के चला गया होगा। रीज़न क्या है, ये जो सेलिंग आई है मेरे हिसाब से मार्केट के एक पैरेलल चैनल में जा रहा था, मार्केट में जाते 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 अब ये मार्केट यहाँ हायर पॉइंट से यहीं से रेजिस्टेंस लेके आज गिरा है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी सारे लोगों को यहाँ रिजेक्शन लेते हुए जब कैंडल दिखेगी तो लोग पोजिशनली सेल करेंगे, तो उनको हंट करने के लिए मार्केट फिर ऊपर जाएगा, और मे बी पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट भी दे दे, इसलिए मार्केट ने ये किया है, और मे बी इसीलिए आज हम लॉस हुआ हमारा। बाकी ये पहला ट्रेड तो कितना सही था, बस निफ्टी की वजह से हम एक दो कैंडल से मिस हो गए। तो आई होप आपको आज का ट्रेड का लॉजिक समझ आएगा। इफ यू डिड, मेक श्योर यू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल विद प्रॉफिट पर्ल्स। विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। बाय।